यौन उत्पीड़न के आरोपों के कुछ दिनों बाद मोहनलाल के नेतृत्व वाली मलयालम फिल्म संस्था ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण और उत्पीड़न के दो नए मामले सामने आए हैं। चलिए जानते हैं एंटरटेनमेंट जगत की 10 बड़ी खबरें। अमेरिकी सिंगर मारिया कैरी के घर अनहोनी घटना हुई है। उनकी माँ और बहन की एक ही दिन मौत हो गई है। इस दोहरे सदमे में जहाँ सिंगर का रो रोकर बुरा हाल है, वहीं उन्होंने फैंस और मीडिया से अपील की है कि इस दुख भरी घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करें। एक बंगाली एक्ट्रेस ने फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिस पर केरल पुलिस ने फिल्म मेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अगर कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो रंजीत की गिरफ्तारी भी हो सकती है। शो अनुपमा को लेकर खबरें चल रही हैं कि इसके लीड एक्टर्स रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना शो छोड़ सकते हैं। हालांकि शो के मेकर राजन शाही ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और यह बताया है कि यह पूरी तरह से झूठ है, रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है। मोहनलाल के नेतृत्व वाली मलयालम फिल्म संस्था ने इस्तीफा दे दिया है। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष मोहनलाल और उनकी 17 सदस्यीय समिति ने नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। फिल्म मेकर रंजीत पर जहां केरल पुलिस ने नए मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, वहीं अब मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी का और गीता विजय ने दिग्गज डायरेक्टर तुलसीदास पर उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए हैं। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 ने एक बार फिर धमाल मचाने का काम किया है। दूसरे सोमवार को जन्माष्टमी के मौके पर फिल्म ने देश में 400 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है। इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ क्लब की दहलीज पर खड़ी है। मलयालम एक्टर और प्रोड्यूसर बाबूराज पर एक जूनियर कलाकार ने यौन शोषण करने और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इमरजेंसी रिलीज से पहले ही एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत निशाने पर आ गई है। कंगना ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस से मदद मांगी है। टीवी शो इसकबाज में टिया का रोल निभा चुकी एक्ट्रेस नवीना बोले शादी के 7 साल बाद पति जीत करनानी से अलग होने जा रही है। एक्ट्रेस ने बताया है कि वह और जीत तलाक लेने जा रहे हैं। दोनों की एक 5 साल की बेटी किमायरा है और इस खबर से उनके चाहने वाले हैरान हैं। कंटेंट क्रिएटर शिवानी कुमारी के बारे में खबर आई थी और फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने 13 लाख की नई कार खरीदी है, मगर अब उनके मैनेजर ने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह कार उन्होंने नहीं खरीदी है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।